पालघर कोलवादे ग्राम पंचायत के चुनाव में जीत हासिल किए हुए नव नियुक्त सरपंच और उप सरपंच और सदस्यों का सत्कार करने के लिए पर्यावरण दक्षता मंच की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान कोलवादे गांव के सभी रहवासी मौजूद थे। इस मौके पर पर्यावरण दक्षता के अध्यक्ष मनीष सांखे ने कहा कि चुनाव के दौरान लोगों के मन में जो मनमुटाव आ गए थे उन्हें दूर करने के लिए और गांव के और पर्यावरण के विकास करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला परिषद के उपाध्यक्ष सचिन पाटिल और महाराष्ट्र राज्य के विद्युत लोकपाल आरडी सांखे और पूर्व सदस्य भी मौजूद थे। साथ ही चुनाव में जीत हासिल किए हुए सदस्यों को सम्मान चिन्ह देकर उनका सत्कार भी किया। पालघर कोलवादे गांव द्वारा आयोजित यह एक अनोखी पहल है। नागनाथ बाबर इन 24 न्यूज पालघर। नमस्कार, मैं नागनाथ बाबर और आप देख रहे इन 24 न्यूज। आज हम कोलवडे गांव के ग्राम पंचायत नवनिर्वाचित सदस्य एवं सरपंच के सत्कार हेतु कार्यक्रम में यहां पर आए हैं। पर्यावरण दक्षता मंच पालघर जिला अध्यक्ष मनीष संके के आयोजन के अनुसार इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने नवनिर्वाचित सरपंच और जो सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं ग्राम पंचायत में, अभी उनका राज चलने वाला है, तो किस तरह से वो काम करने वाले हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मनीष संके के पास जाएंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पर्यावरण दक्षता मंच के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम के अंतर्गत? पहली बात तो इस गांव के जितने भी ग्रामस्थ है या जो भी चुन के आए हुए प्रतिनिधि है उनको एक साथ लाना, एक मंच पे लाना, ये मेरा कर्तव्य समझ के मैंने उनको एक स्टेज पे लाया, एक मंच पे लाया। जो भी इलेक्शन के पहले के जो भी वाद विवाद होते हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो और हर एक को साथ में लेके गांव का विकास के दृष्टिकोण से सब लोग साथ में आए, ये एक में उद्देश्य था मेरा। और मेरे ख्याल से सभी सुशिक्षित होने के कारण निश्चित स्वरूप से ये लोग भविष्य में अच्छा ही काम करेंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। मनीष जी ने बताया कि भविष्य में आने वाले समय में ये नए जो सदस्य आए हैं ये निश्चित स्वरूप से अच्छा काम करेंगे। हम जो पहले के जो पूर्व सरपंच थे उनके पास जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अभी तक किस तरह से काम किया है और किस तरह से काम बाकी है और क्या होना चाहिए, ये जानना चाहते हैं। अब बताइए आप 12-17 पर्यंत मराठी ना आम्ही म्हणजे सरपंच सरपंच आणि सदस्य एकत्र राहत होतो, सगळे सरपंच आणि सगळेच सरपंचाकडे होते, तर भेदभाव नसतं। भेदभाव नसताना एकत्र घेऊन आम्ही एकजुटीने जे काम केलेले आहेत ते सगळे म्हणजे सांगायला लागले शॉर्ट कट। आम्ही आपलं हे म्हणजे 1,27,00,000 टाकी बांधलेली आहे, तसंच नवीन स्मशान भूमी रेवाडीत बांधलेले आहेत, आपल्या पाईपलाईन दिलेले आहेत, छोटे मोठे रस्ते केलेले आहेत आणि म्हणजे समाजबंदी आपल्या समाजबंदीची हे केलेले आहे, पी ओ पी केलेले आहे, तसेच गोडाऊन बांधलेले आहे, 2 रूम बांधलेले आहेत, म्हणजे आमचे बहुतेक म्हणजे सर्वात म्हणजे छोटे मोठे बहुतेक काम झालेले आहेत। आणि आता जे उरलेले काम आहेत त्या आपल्या नवने म्हणजे कृष्णी मॅडमनी काम करावं हीच आमची सदी इच्छा आहे। आणि आमचं जे मनीष संख्येनी पर्यावरण मंत्री ज्यामार्फत ज्यांनी आम्हाला जे सगळ्यांना माझ्या आजीने सगळ्यांना बोलून जे आमचं आभार मानलं आहे त्याबद्दल तिचा मी आभारी आहोत। सरपंच जो थे उन्होंने काफी काम किया ऐसा उन्होंने बताया। अब हम जाते हैं नवनिर्वाचित जो सरपंच प्रतिभा बुजुर्ग महिला है, टीचर थी पहले और उनके पास काफी अनुभव है, आप उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इस गाँव का विकास करेंगे। हेलो, आम्ही आता मी मागे सदस्य होते त्यामुळे मला 5 वर्षाचा अनुभव आहे। आमचा 5 वर्षाचा आराखडा ग्राम विकास तर्फे तयार झालेला आहे, तो आराखडा सुंदररित्या आम्ही तयार पार पाडू आणि गाव स्वच्छ सुंदर करू आणि सगळ्यांची मनं जिंकून सगळ्यांची सुखसोयी आम्ही बघू आणि पाणी लाईट याच्याविषयी आमच्याकडे काही प्रॉब्लेम राहणार नाही, गाव सुंदर करण्याचा प्रयत्न करू हे आश्वासन देते मी। गांव को सुंदर सुशोभित और स्वच्छ करने का वादा इन्होंने किया है, अब देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से गांव के सुधरना होता है, विकास होता है, ये तो समय बताएगा। यहां पर हमारे पास पालघर जिले के जिला परिषद के उपाध्यक्ष सचिन पाटिल जी है, उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस कार्यक्रम में आए और जिला उप सदस्य होने के उस
पद पर जो बैठे थे वो किस तरह से गांव के जो ग्राम पंचायत है उसको देखते हैं और किस तरह से वो हेल्प करेंगे या किस तरह से काम करा के लेंगे ये समझ जाएंगे। कोलोडे हा गाँव माझ्या मतदारसंघात जरी नसला तरी हा गाँव माझ्या मामाचा असल्यामुळे मला लक्ष ठेवावंच लागतं आणि ह्या नवीन घोडीला जिल्हा परिषदतर्फे जी जी मदत लागेल ती सर्व मदत मी वेळोवेळी करत जाईल आणि कोलवडे गाव कसा पुढे जाईल हा मी नक्कीच प्रामाणिक प्रयत्न करणार। जिला उपसदस्य जिला के उपाध्यक्ष जो परिषद के हैं उन्होंने कहा कि मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगी। आप जानना चाहेंगे कि यहाँ पर सदस्य भी है उनसे जो किस तरह से उनका अनुभव था पहले साल में काम करने का। मैं अभी तीसरी बार आ गई हूँ। पूरा गांव का जो कोई काम है मैंने पूरा देख लिया है और जो कुछ करने का है जो बाकी है तो अभी ले लिया है। चार साल का काम तो बचा ही है वो काम पूरा का पूरा करेंगे पर ये गांव अच्छी तरह से आगे लेके जाएंगे। ऐसा बोलेगा तो हमारा गांव है ही ऐसा सुंदर ही लेकिन गांव में और जो कुछ सुविधा मांगता है वो पूरे के पूरे हम लोग करेंगे इतना वादा मैं देती हूँ। हेमलता संखे मी आता नवीन सदस्य म्हणून माझी नेमणूक झालेली आहे। आता ग्रामपंचायत स्थापना होऊन 10 दिवस झालेले नसताना संपूर्ण गावाचा दौरा मी केलेला आहे। गावात ज्या काही अडीअडचणी आहेत स्वच्छतेचे प्रॉब्लेम आहेत गटार लाईनचं काम चालू आहे त्यांचं सगळ्यांची पाहणी करून व्यवस्थितरित्या जे चांगल्यात चांगलं उत्कृष्ट त्यांचं जे काम होईल असं आम्ही बघू आणि जेवढा गावाचा विकास करता येईल तेवढा जास्तीत जास्त विकास करण्याचा प्रयत्न आम्ही करू हेच आमच्याकडनं ग्वाही देईल। आम्ही पण गावाचा विकास आणि लोकांची मदत जिंकायचा प्रयत्न करू। मी सार्वजनिक पिंपळे गेली 10 वर्षापासून मी ग्रामपंचायत कार्यरत होती आता मी माझी सदस्य म्हणून आहे। गावाचा विकास हा सर्वांगीण विकास हा आमचा उद्दिष्ट होता त्यापासून आता आम्ही जरी निर्वाचित हे झालो असतो माझी जरी झालं असेल तरी ग्रामपंचायतमध्ये भरपूर महसूल आहे मागे आत्ता अजूनसुद्धा बरंच निधी महसूल गोळा करायचा आहे आणि तो महसूलचा फायदा असा त्यांनी उठवावा की मोदीजींनी जसं डिजिटल इंडिया केलं आहे तसं कोलवडे गावही सुद्धा एक डिजिटल कोलवडे व्हावं ही माझी अपेक्षा आहे आणि नवतरुण हे आहेत जे निवडून आलेले उत्साही होतकरू तरुण ह्यांनी हे डिजिटल इंडिया करावं ही माझी अशी आशा आहे। एवढं बोलून दोन शब्द डिजिटल इंडिया करणे का जो ख्वाब आहे नरेंद्र मोदीने जो लाया था वो होना चाहिए ऐसा कहा है और आखिरी हम जानना चाहेंगे आप बताइए। कोलोडे गांव बहुत छोटा गांव है हमको यहाँ अच्छा इनकम भी है डेवलपमेंट अच्छा हुआ है ये चौथी टर्म आ रही है। मैं इतना ही बोलूँगा कि ये नई बॉडी जो है इतना ऐसा काम करना चाहिए कि कोलोडे गांव के लिए महाराष्ट्र में पहला नंबर ग्राम पंचायत होना चाहिए इतना डेवलपमेंट होना चाहिए ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। महाराष्ट्र में पहला नंबर आना चाहिए इस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए ऐसा इन्होंने कहा है। आखिरी सवाल और इस कार्यक्रम का अंतिम सवाल जो है मनीष संघे के पास जाते हैं क्या आप पर्यावरण दक्षता मंच के ओर से जो इतने सालों से काम करते आए हैं आपके गांव की लोक संख्या काफ़ी कम है और आजू बाजू के परिसर में काफ़ी कंपनियां हैं तो इससे पोल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम तो काफ़ी लोगों को तकलीफ होती है तो किस तरह से आप इसको देखते हैं और किस तरह से इसके ऊपर काम करते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ पे जो स्थित 1200-1300 जो यहाँ पे कंपनियों का औद्योगिक पट्टा है यहाँ पे आपको पता है कि CETP के अभाव जो कैपेसिटी वो कम होने के कारण यहाँ पे बहुत सारा तकरीबन 20-25 MLD पानी ये हमारे नेचुरल फ्लो से यहाँ से चला जाता है और पोल्यूशन के कारण यहाँ पे जो हमारे पूर्वज जो खेती करते थे वो आज हम कर नहीं पा रहे तो हमें पूरी जो हमारी रेवेन्यू है वो इंडस्ट्री या फिर पढ़े लिखे लोग होने के कारण जॉब करके वो लोग अपना घर संभाल रहे हैं लेकिन यहाँ पे बड़े पैमाने पे प्रदूषण की मात्रा होने के कारण जो आरोग्य हेल्थ जो हमारी ख़राब हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के नेचुरल वाटर सोर्सेस और ह्यूमन राइट्स ये दोनों ये बैलेंस रहे और इस अनुसार इस बॉडी को यही काम करना है क्योंकि हमारी जो ग्राम पंचायत वो रेवेन्यू के हिसाब से अच्छी है बट उसको आकार देना या फिर उस दृष्टिकोण से नियोजन करके गाँव का पूरा ग्राम पंचायत का कारोबार संभालना ये बड़ा कर्तव्य उनके पास है और ये जवाबदारी वो निश्चित स्वरूप से अच्छी निभाएंगे ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। पोल्यूशन मुक्त गांव करना है वैसे भी पोल्यूशन मुक्त गांव है ही है क्योंकि गांव में काफ़ी सुविधा हो चुकी है और आने वाले जो सदस्य जो सरपंच है उन्होंने भी ये बीड़ा उठाया है कि गाँव को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर और अच्छा विकासमय करने का बात उन्होंने अभी किया है। इस वक्त वीडियो जर्नलिस्ट विजय घरत के साथ
मैं नागनाथ बाबर, इन 24 न्यूज, कोलोडे गाँव, पालघर।